आरोप है कि कंपनी ने इस घोटाले में 5 करोड़ लोगों को ठगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की थी। ओम प्रकाश तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। ओम प्रकाश तिवारी, पूरा अपडेट क्या है इस मामले पर, क्या कुछ हुई है कार्यवाही? देखिए, ये बहुचर्चित पर्ल ग्रुप का 60,000 करोड़ रुपए का घोटाला है और इसी समय में बेहद बहुचर्चित ये घोटाला हुआ था, क्योंकि इसमें देश भर से 5 करोड़ इन्वेस्टर्स को लोक लुभावनी स्कीमों का झांसा देकर फंसाया गया था और उनसे पैसे ठग लिए गए थे। इन पैसों से इस ग्रुप के जो मालिकान थे उन्होंने विदेशों में होटल तथा अन्य जायदादें खरीदी थी। इस घोटाले को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन भी हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने इस मामले में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू की थी और उसके बाद इस मामले में साल 2016 में इस ग्रुप के डायरेक्टर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन मामले के कई आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर थे। लिहाजा सीबीआई ने इस मामले में कल देर शाम कार्रवाई करते हुए देश के विभिन्न राज्यों से, जिसमें कोलकाता, चंडीगढ़, दिल्ली आदि शामिल हैं, कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार लोगों में पर्ल ग्रुप्स कंपनी के कर्मचारी और कुछ बिजनेसमैन भी शामिल हैं। जी आदर्श जी, बहुत धन्यवाद आपका ओम प्रकाश तिवारी इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, पीएसीएल घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है सीबीआई ने और इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और 60,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला था जिसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।